हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं नेहा और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल ब्यूटी गर्ल विद नेहा के साथ। आज हम अपना सिंपल मेकअप लुक करेंगे जो मैं घर में डेली करती हूं। वैसे एक बात बताऊं, मैं घर में डेली मेकअप करना पसंद नहीं करती हूं। तो हम लोग सबसे पहले लगाएंगे जॉय की स्किन फ्रूट क्रीम, जो कि मॉइस्चराइजर क्रीम है। तो मॉइस्चराइजर वैसे भी चेहरे पर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, तो हमने थोड़ी सी ले ली है मॉइस्चराइजर क्रीम और अब इसको हम अपने चेहरे पे लगाएंगे। तो इसे हम पूरी तरह से नहीं कि हाथ में फैला लिया और पूरे में रगड़ दिया, इस तरह आप लोगों को नहीं लगाना चाहिए। थोड़ी सी उंगली में ले लें, उसके बाद पूरे चेहरे पर डेप डेप करके लगा लें। तो आइए हम अपने चेहरे पे फ्रूट क्रीम को लगाते हैं। वैसे ये फ्रूट क्रीम ना मैं अपने चेहरे पर डेली नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मॉइस्चराइजर, मेरी स्किन वैसे भी ऑयली है, ऑयली स्किन में अगर ज़्यादा मॉइस्चराइजर लग जाता है ना डेली तो बहुत चिपचिपी हो जाती है, इसलिए मैं कभी कभी लगाना पसंद करती हूँ। तो देखिए, मैंने अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजर क्रीम को बड़े ही आराम से लगा लिया है। और हमें मॉइस्चराइजर क्रीम की कोई भी क्रीम हो, ये नहीं कि ले वो हाथ में और बस पूरे में रगड़ दो, इसे आराम से अपनी स्किन पर बराबर करना चाहिए। तो मैंने, देखिए आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लग रहा है मॉइस्चराइजर लगाने के बाद। तो इसे मैंने अपने हल्के हाथों से पूरे स्किन पर फैला लिया है धीरे धीरे करके। और मेरा मानना है ना कि मॉइस्चराइजर क्रीम लगाने के बाद आपको तुरंत ही कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं लगाना चाहिए। आपने मॉइस्चराइजर क्रीम लगाई, उसके बाद थोड़ा सा वेट करिए और वेट करने के बाद ही अपने चेहरे पर लगाना चाहिए हमें। तो ये मेरी क्रीम पूरे चेहरे पर बराबर हो गई है। अब 2 मिनट रुकने के बाद हम दूसरी क्रीम को लगाएंगे। तब तक मैं अपने हाथों में उसी मॉइस्चराइजर को जो कि लगा हुआ था, मैंने अपने हाथों में भी बराबर कर लिया है। तो अब हम अपने चेहरे पर लगाते हैं हल्का सा पाउडर, वो अभी पाउंड्स का 10 रुपये वाला। मैं जल्दी कोई दूसरा पाउडर नहीं लाती हूँ, यही पाउडर मेरे लिए अच्छा है। तो हम अपने चेहरे पर पाउंड्स का पाउडर लगाएंगे। देखिए, मैं सुबह सोकर उठी हूँ, मैंने सुबह सुबह ही वीडियो बनाया था, तो आँखें कितनी भरी भरी लग रही हैं, जैसा लग रहा ना अब भी नींद आ रही है। तो अब मैं अपने चेहरे पर लगाऊंगी पाउडर, तो आइए लगाते हैं। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा पाउडर लिया है और अपने पूरे चेहरे पर। एक चीज़ है ना, मैं क्रीम तो कोई चेहरे पर नहीं लगाती हूँ, पर मुझे पाउडर लगाना बहुत पसंद है। तो मैं पाउडर अच्छी तरह से लगाती हूँ, चाहे उसको बाद में मुझे किसी कॉटन से थोड़ा बहुत साफ़ ही करना पड़े, पर जब पाउडर लगा लेती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है और ना चेहरा बिल्कुल ऑयली ऑयली नहीं लगता, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए, मैंने अपने पूरे चेहरे पर पाउडर लगा लिया है और उधर हस्बैंड है, वो देख रहे हैं, तो उनको देख के मैं मुस्कुरा रही थी। ये देखिए, मैं देख रही हूँ कि पूरा बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब ये बराबर हो चुका है। अब इसके बाद हम लगाते हैं लिपस्टिक, जो कि हमारी स्किन के लिए एक बेहद ही, मतलब जब तक लिपस्टिक न लगाओ ना तब तक चेहरे पर कोई लुक नहीं आता है। मुझे लिपस्टिक भी बहुत पसंद है, वो भी रेड कलर की। रेड कलर की लिपस्टिक लगाना बहुत पसंद करती हूँ। अभी ये जो मैं आई में आई शेडो लगा रही हूँ, मैं जब ये कहीं जाती हूँ तब ऐसे लगा लेती हूँ, वरना मैं आई शेडो भी नहीं लगाती हूँ। मैं बिल्कुल भी मेकअप करना एक तो मुझे आता नहीं है और ऊपर से मैं करती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा मेकअप करके देखा है, कोई फ़ायदा नहीं। हमारी स्किन पे हम जितना ज़्यादा मेकअप करेंगे हमारी स्किन उतनी ही ज़्यादा ख़राब होती है। समय के अनुसार मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि नहीं, स्किन पर ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं करना चाहिए, तो मैंने सारा मेकअप छोड़ दिया। और मैं एक खास बात बताऊँ, मैं अपने चेहरे पर ना फेस वाश भी नहीं लगाती हूँ, सिर्फ पानी से ही धुलना अपना चेहरा पसंद करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लगा ली है अपने होठों पर लिपस्टिक और ये देखिए कैसी लग रही है। देखिए, लिपस्टिक लगाने के बाद ना चेहरे पर एक अलग ही लुक आ जाता है। मुझे लगता है ना, फेस पर लिपस्टिक और बिंदी दो चीज़ बहुत अहम होती हैं, वो भी शादी के बाद, जो आपके फेस को एक नेचुरल लुक देती हैं। तो अभी हम लोग अपने बाल में कोई ऐसे ही सिंपल सी हेयर स्टाइल बना लेंगे घर के लिए। वैसे घर पर ना मैं ज़्यादा जूड़ा ही लगाती हूँ, तो जूड़ा लगा के ही रखती हूँ, बट जब घर से बाहर निकलती हूँ तो थोड़ा सा अपने बालों को अलग लुक दे देती हूँ।
और गर्मी में तो वैसे भी जूड़ा ज़्यादा ठीक रहता है, गर्मी भी नहीं लगती हम लोगों को, और अगर गर्मी में ऐसे बाल खुले रहते हैं तो बहुत, मुझे तो बहुत घबराहट होती है। मैं औरों को नहीं कह सकती हूँ क्योंकि अपनी अपनी एक आदत होती है ना, कि कुछ लोगों को नहीं प्रॉब्लम होती गर्मी में भी अगर बाल खुले रहते हैं, पर मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं जल्दी गर्मी में कुछ भी मतलब ना तो अपने चेहरे पर लगाती हूँ और अपने बालों को ना ज़्यादा खुला छोड़ती हूँ, बस ऐसे बांध के रखती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने बना ली एक सिंपल सी हेयर स्टाइल और मैं इसमें लगा लूँगी एक क्लेचर। बस मैं इससे ज़्यादा अपने बालों को ना तोड़ती हूँ ना मरोड़ती हूँ, बस ऐसे ही रखना पसंद करती हूँ। ये मेरी हेयर स्टाइल बहुत पुरानी हो गई है, मैं इसे शादी के पहले से बनाते चली आ रही हूँ, मुझे यही अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैं घर के लिए बहुत ही छोटी बिंदी यूज करती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर लगा ली है बिंदी। देखिए जब बिंदी चेहरे पे लगा लूँ ना तो थोड़ा सा अलग हो जाता है चेहरा। ये देखो यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ तैयार। सिर्फ एक चीज़ की कमी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है शादीशुदा महिलाओं के लिए, तो अब मैं लगा लूँगी सिंदूर। ये देखिए अब मेरा मेकअप लुक पूरा हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा घर के लिए सिंपल सा मेकअप लुक कैसा है। मैं बस इतना ही घर में करती हूँ, इससे ज़्यादा कभी नहीं करती हूँ, और अपने चेहरे पर कोई भी अदर प्रोडक्ट लगाना पसंद नहीं करती हूँ। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए क्योंकि मेरे चेहरे पे पिंपल की बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, बट अभी सब सही है। तो अब मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ सिवाय पानी से अपना चेहरा धुलती हूँ बस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।